हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिगर ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल पेंसिल, कलर पेंसिल एंड ऑल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये तीन पेंसिलें मौजूद हैं, जिसमें कि सबसे पहले मेरे पास एक पेंटल की मैकेनिकल पेंसिल है, दूसरे नंबर पर हम जो है कलर पेंसिल का यूज़ करेंगे और तीसरे नंबर पर नॉर्मल पेंसिल का। लाइक स्केचिंग इनमें से किससे आप कर सकते हैं, कौन सी बेटर रहती है, आज ही हम समझते हैं। तो पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों नॉर्मल पेंसिल से। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6B मेरे पास पेंसिल है, 8 लाइन की यहाँ पर मेरे पास ब्रांड है। पेंसिल को पीछे से पकड़ के मैं फिगर ड्राइंग को जब यहाँ पर बनाना शुरू अभी कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हाथों को बस आप कंटिन्यूशन फ्लो के साथ अगर चलाएंगे तो आपकी स्केचिंग की क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और बिकॉज ऑफ द ब्लंट निब, आपकी जो पकड़ है शीट के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों अच्छी बनती है। लाइक आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पॉइंटेड पेंसिल यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा जो है टूटती रहती है आपकी शीट के ऊपर। सो इट्स बेटर टू यूज़ ब्लंट पेंसिल। आप ब्लंट पेंसिल का यूज़ करें और प्रेशर को कभी डालें कभी छोड़ें, ये देखिए कुछ इस तरीके से कि रफली पहले लाइटली अपना आइडिया ले लें कि जो भी चीज़ आपको बनानी है जिस पोर्शन में, एंड देन उसके बाद मेन लाइन्स को हाईलाइट करते रहिए, सो डैट जो एक फ्लो और जो गेटअप है आपके फिगर का वो काफ़ी ज़्यादा जो है बेटर आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर जो मुझे नॉर्मल पेंसिल है, मैं अगर अपना बताऊँ दोस्तों, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो है मज़ा स्केचिंग में कलर पेंसिल और नॉर्मल पेंसिल से ही आता है। लाइक जो पेंटल मैकेनिकल पेंसिल है या फिर कोई भी मैकेनिकल पेंसिल है, ज़्यादा पॉइंटेड टूल्स होते हैं वो स्केचिंग में आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं अनटिल कि आपको उसमें कुछ डिटेलिंग ना करनी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी आप एक फिगर ड्राइंग को स्केच करेंगे तो एक स्टिक फिगर का, मैनेक्विन का मिक्सअप एक आइडिया रखिए कि यार किस तरीके से मुझे पैरों को बनाना है, पेट को बनाना है, ओवरऑल बॉडी का गेटअप कैसे जो है लेते हुए चलना है। ये चीज़ आप जब समझ जाएंगे कि कैसे आप जो है अपने स्केचिंग को और ज़्यादा बढ़िया तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं, एंड ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़रूरी एक आपके लिए टिप्स है दोस्तों कि आप जब स्केचिंग करें तो अपने पेंसिल प्रेशर कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए ही करें, क्योंकि अगर आप प्रेशर अपना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उसको आपको जो है सीखना होगा। सेम अगर आप टोन का जो है आर्टवर्क बनाते हैं, लाइक जिसमें सिर्फ डार्क टोन है, या कोई ऐसा आर्टवर्क करते हैं जिसमें सिर्फ मीडियम और लाइट शेड है, तो वो आर्टवर्क्स या वो स्केचेस बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड या बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं अनटिल कि आपकी ड्राइंग में या आपकी कॉम्पोजिशन में डार्क मीडियम लाइट शेड नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपना शेडिंग में या लाइनिंग में डार्क मीडियम लाइट का कंट्रोल डालते हुए चलें, अपनी कॉम्पोजिशन को, अपनी फिगर ड्राइंग को, अपनी स्टिल लाइफ को, हर चीज़ की जो है ब्यूटी को बढ़ाते हुए चलें। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपके सामने काम हो रहा है, और मेरी कोशिश यही।
साथ। तो अगला जो हमारा टूल है वो पेंटल की मैकेनिकल पेंसिल है, काफ़ी महंगी पेंसिल जो दोस्तों ये जो है आती है मार्केट में। और इसका हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर भी किया है कि यार ये पेंसिल ना है तो बड़ी लाइक क्वालिटी वाइज आर्टिस्टिक एकदम, मतलब लगता तो है कि हाथ में यार कोई हैवी चीज़ है। और इसकी जो शीट के साथ एक कनेक्शन है, लाइनों के ऊपर जो पकड़ है ना, मतलब आपकी स्ट्रेट लाइन्स अगर आप मारेंगे तो बहुत ही बढ़िया जो है आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। और स्पेशली जो है जब अगर आप छोटे छोटे एरिया में हैचिंग क्रॉस हैचिंग करेंगे तो उसके लिए ये पेंसिल बहुत ही बढ़िया है। और देखिए स्केचेस का दोस्तों मतलब होता क्या है, स्केचेस का बेसिक मतलब ये है कि यार जब आपको लाइक अपना हाथ कंटिन्यूशन रखना है, आप चाहते हैं कि यार आपके दिमाग में आइडियाज़ आएँ, आपका हाथ जो है चलता रहे, दिमाग में कुछ ज़्यादा सोचना ना पड़े कि यार अगर मैं किसी चीज़ को बनाना चाहती हूँ या बनाना चाहता हूँ तो मैं बना लूँ, वो चीज़ जो है आपको स्केचिंग देती है। स्केचिंग डेली बेसिस पे करना एक तरीके से खाना खाने की तरह है कि आप जितनी अच्छी डाइट लेंगे उतने बढ़िया जो है आपकी बॉडी बनती है। तो वही चीज़ आपके हाथों के साथ है, जितने ज़्यादा दिन आप स्केच करते हैं, स्केच कंटिन्यूस अगर आप करते रहते हैं तो आपके हाथों का फ्लो उतना ही अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर अब यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पर एक बात भी है कि मेरे पास निब एक तो पतली है, पतली इन द सेंस के देखिए पेंटल है, आप मैकेनिकल पेंसिल मान के चलिए, पेंटल भी अगर मैं छोड़ूँ, यहाँ पर हम मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो मैकेनिकल तो यार वैसे ही पतली होती है, और पतली पेंसिल को आप जो है भाई कितना ही प्रेशर डाल के चला लेंगे, आपको उसकी रिपीटेशन बहुत ज़्यादा जो है करनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि जो काम अगर आप ब्लंट पेंसिल से करते हैं वहाँ लाइन आपको मोटी देखने को मिलती है, और वो भी डार्क मीडियम और लाइट के साथ, बट यहाँ वो चीज़ जो है नहीं आती। इसके लिए आपको थोड़ी मोटी निब ही जो है लेनी चाहिए अगर आप स्केचिंग करते हैं तो। बस मेरा आज का एक मकसद था कि मैंने कहा यार आप लोगों के साथ शेयर करूं कि किस तरीके से आप जो है अपनी स्केचिंग इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पेंसिल, और कौन सी पेंसिल आपको जो है यूज़ करनी चाहिए। एंड आई होप दोस्तों आप लोग जो है अपनी पेंसिल यूज़ करते भी होंगे अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग, और इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली सीखने को ये मिला होगा कि यार कौन सी पेंसिल के स्केच ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं या फिर हमें कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। ये तो चीज़ आपको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, तो मुझे यूज़ करके आप बताइए ज़रूर कि किस तरीके से आप जो है स्केच करते हैं। बाकी मैं समझ सकता हूँ दोस्तों वीडियो में देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता है अपलोड करने में, तो मेरी कोशिश यही रहती है वैसे तो यार कि मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँ, बट ठीक है टाइम रहने के पे जो है मैं वो चीज़ करता भी दोस्तों आप लोगों के लिए। और देखते हैं कि मैं आप लोगों की कितनी और ज़्यादा दोस्तों हेल्प कर सकता हूँ थ्रू स्केचेस, थ्रू पेंसिल, थ्रू टूल्स, लाइक हर एक चीज़ के थ्रू आपको जो है अच्छे से मैसेज देना और समझाना कि कैसे आपको जो है और इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये देखिए वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।